इस समय है हम शारदा मेडिकल कॉलेज के अंदर, और शारदा मेडिकल कॉलेज एस्टैब्लिश्ड हुआ था ईयर 2009 में, और ये शारदा यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है। कॉलेज के अंदर 1200 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो कि कैंपस के अंदर ही है, और ये एक विशाल यूनिवर्सिटी, काफ़ी पुरानी और काफ़ी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में सभी फैकल्टीज हैं, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है जहाँ पर अभी इस समय हम खड़े हुए हैं, और मेरे पीछे है स्कूल ऑफ बेसिक साइंस एंड रिसर्च। काफ़ी बड़ा कैंपस है, पूरे कैंपस का टूर मैं आपको करके दिखाऊंगा, और साथ में आपको डिटेल भी बताऊंगा किस तरह का पेशेंट फ्लो है, किस तरह का कॉलेज है, और क्या आपको यहाँ आना चाहिए। लेकिन अगर मैं दिल्ली NCR रीजन की बात करूँ तो वन ऑफ़ द मोस्ट प्रिफर्ड कॉलेज ये होता है, और अगर आज पूरा इंडिया उत्तर प्रदेश की तरफ देख रहा है क्योंकि ये ओपन स्टेट है और हर एक बच्चा उत्तर प्रदेश में एडमिशन लेना चाहता है बिकॉज ऑफ लो फीस, तो डेफिनेटली शारदा यूनिवर्सिटी उसके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। लेकिन कितने नंबर पे ये मिल पाएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा कि फीस कितनी है, कट ऑफ क्या रहने वाला है, सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। और इस बार मैं आपको पूरे उत्तर प्रदेश के सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का टूर कराने लगा हूँ, इसीलिए आप कोई भी कॉलेज मिस ना कर जाएं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिले। चलिए टूर करते हैं शारदा मेडिकल कॉलेज का। साइंसेस, और अब हम मेन कैंपस जो यूनिवर्सिटी का कैंपस है इधर से हम जा रहे हैं गेट नंबर 1 जहां पर मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और हॉस्टल्स अवेलेबल है, और वहीं पर 1200 बेड का हॉस्पिटल भी है। चलिए चलते हैं। चलिए अब एक गाइडेड टूर लेते हैं शारदा मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल का और देखते हैं यहाँ की फैसिलिटीज। ये हैं इमरजेंसी सर्विसेज शारदा मेडिकल कॉलेज की, और ये जो कॉलेज का पीछे वाला हिस्सा है, अब इसमें एडवांस कैंसर इंस्टीट्यूट और कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, और जल्दी ये वाला हॉस्पिटल भी अब चालू होने वाला है। ये इस पूरे NCR एरिया में कैंसर की एडवांस फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएगा। और ये जो पीठ देखा पा रहे, ये है स्टूडेंटिविटी जहाँ पर जब हम लाइब्रेरी स्टूडेंट्स रिलेटेड अलग अलग फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। ये है यहाँ की अत्याधुनिक मॉर्चरी, और जो आगे इसके जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में चल रही है वो है नर्सिंग कॉलेज। ये है गर्ल्स हॉस्टल, फुल सिक्योरिटी सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं गेट के सामने। ये है नर्सिंग कॉलेज जो कि निर्माणाधीन है, और ये है यहाँ का कैफेटेरिया, स्टूडेंट्स के लिए छोटा मोटा स्नैक्स या फूड से रिलेटेड फैसिलिटीज यहाँ पर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराई जाती है। So, अभी मेरे साथ हैं शारदा मेडिकल कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स, मैं इंट्रोडक्शन उनसे ही लूँगा और हम बात करेंगे कि यहाँ पर अभी समय में कैफेटेरिया में बैठे हुए हैं, यहाँ के जस्ट एक आइडिया लेना चाहते हैं कि किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, क्या वो सेटिस्फाइड हैं कॉलेज के जो भी मेडिकल एजुकेशन उनको मिल रही है, और कैसा वो यहाँ महसूस कर रहे हैं। सो लेट मी फर्स्ट रिक्वेस्ट, मैं मानव हूँ, आई एम फ्रॉम UP ओनली। फैसिलिटीज काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर, हम ज्वाइन किया था 2018 में, हमने ज्वाइन किया था उस टाइम पर भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी फैकल्टीज़ हैं, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, मैथ्स भी काफ़ी अच्छा है, और हमें लगता है कि हाँ यहाँ से हम अच्छे डॉक्टर बनकर निकल सकते हैं। उस टाइम पे मेरा 363 था, देन आई गॉट दिस कॉलेज। डॉक्टर मेघा चौहान एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड आई एम डूइंग माई इंटर्नशिप फ्रॉम हियर शारदा हॉस्पिटल, एंड द एक्सपीरियंस इट वॉज वेरी गुड। आई मीन regarding studies, we had supporting teachers, doctors and professors who always supported us, and right now we are actually working on our practical skills. Patient flow, it depends, sometimes it's like very good and there are so many patients, and when we talk about the cases which we see, it again depends. It's like sometimes we see complicated cases, for example if we go to ICU and all, then we'll see complicated cases, but it's just that our work is to observe and all. Hamare batch mein basically from Delhi, nearby jitne bhi hai, jo aas paas rehte hai wahan se zyada hai, but dur se bhi hai,
राजस्थान से हैं कुछ लोग शायद कोलकाता से हैं हमारे बैच में, तो बट मोस्टली उत्तर प्रदेश से या फिर दिल्ली से, इधर से है, उत्तराखंड से. आई एम डॉक्टर रिया जैन, आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ एंड आई एम एन इंटर्न राइट नाउ. आई थिंक इट इज़ अ प्री कंसीव नोशन दैट अ प्राइवेट कॉलेज विल नॉट बी दैट गुड, बट इन माई ओपिनियन आई रियली लाइकड इट. I think I'm at a point where I can see and treat patients. So I think I really liked it. Nephro mein basically yahan par complicated cases bhi yahan pe super specialty ke liye bhi ab hai, pehle nahi tha. But breast cancer, ye sab patients bhi aate hai. Recent I saw a case of colon cancer. So there are type 2 respiratory failure, there are cases like that. शारदा मेडिकल कॉलेज की लिगेसी में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से MBBS करने के बाद आज USMLE, PLAB जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके अलग अलग कंट्रीज़ में सेटल हो चुके हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए जा चुके हैं. और इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पोस्ट ग्रेजुएशन में भी एडमिशन हो चुका है. तो ये था हमारा अपडेट शारदा मेडिकल कॉलेज का. उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. मैंने आपको शारदा मेडिकल कॉलेज का पूरा टूर दिखाया. इसके साथ साथ ही उत्तर प्रदेश के बाकी मेडिकल कॉलेजेस के टूर के लिए भी आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए. अब बात करता हूँ कॉलेज की फ़ीस की. तो यहाँ पर कॉलेज की फ़ीस है 12,69,319, जो कि उम्मीद की जा रही है कि थोड़ा बहुत 5-10% बढ़ भी सकता है इस साल. जल्दी अपडेट्स आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे. साथ में आपको एनुअल मिसलेनियस फीस लगने वाली है जिसमें प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन वगैरह है, वो है 85,600 रुपीज़. और हॉस्टल की फ़ीस है नॉन एसी के लिए 1,50,000 रुपीज़ फॉर 2-सीटर नॉन एसी हॉस्टल. और इसके साथ साथ फर्स्ट ईयर में आपको 3 लाख रुपीज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा. अगर आप BDS में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 3,65,000 रुपीज़ फ़ीस है और 50,000 रुपीज़ वन टाइम रिफंडेबल फ़ीस है सिक्योरिटी डिपॉजिट. अब बात करते हैं यहाँ के प्रोसेस की. ऑब्वियसली प्रोसेस काउंसलिंग के थ्रू ही होगा. आपका रजिस्ट्रेशन आपको जब हो जाए उसके बाद आप स्टेट मैरिट के बेसिस पे आपको ये कॉलेज एलोकेट होगा. और इसी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे जहाँ पर आपको एक्सपर्ट्स की मदद की ज़रूरत होती है. तो आपको कितने रुपये का DD सबमिट करना है तो मैं बता देता हूँ. 2 लाख रुपये का आपका DD सबमिट होगा, BDS के लिए 1 लाख रुपये का. और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इससे रिलेटेड और भी कोई डिटेल्स अगर आप चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा एडमिशन से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड किसी भी तरह की सपोर्ट के लिए हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज अवेलेबल हैं, जो कि आप हमसे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं. साथ में ही नीचे मैं आपको एक चैट लिंक दे रहा हूँ जो कि व्हाट्सएप कम्युनिटी चैट है, जिसके द्वारा आप हमसे जुड़े रह सकते हैं और आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे नीट काउंसलिंग से रिलेटेड बिल्कुल फ्री. तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ. जल्दी हम आपके साथ जुड़ रहे हैं निम्स नोएडा के साथ, जो कि हमारा अगला कॉलेज है. और ये टूर इसी तरीके से जारी रहेगा. आप सभी के साथ मिलते हैं एक और नए